फांसी तो बड़ी दूर की बात है, हमने छोटा सा मुकदमा डाला है मानहानि का, उसमें बच के दिखा दो। हमने इनके खिलाफ 156(3) में 20 धाराओं में केस दर्ज किया है, बच के दिखाता हूँ। मुसलमान बच्चों का, देखो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस बात के को मानते हैं कि ना तो हिंदू को राइट है कि मुसलमान को हिंदू करे, ना मुसलमान को राइट है कि वो हिंदू को मुसलमान करे, ठीक है। और हर धर्म कोई अपनी मर्जी से जाना चाहे तो वो जा सकता है, जा सकता है भाई। कोई जिसकी समझ है, सोचता है, कोई पागल नहीं है, कोई दिमाग से वो नहीं है, वो अपनी मर्जी से जाना चाहे तो कानूनी रास्ता है। डीसी साहब के यहाँ तो 3 महीने पहले आवेदन करेगा, 2 अखबार में निकलवाएगा, वो डीसी साहब नोटिस जारी करेगा, किसी को कोई ऐतराज है तो बताओ। वो कानूनी रास्ता है, वो हमारे भारत का संविधान और कानूनी रास्ता है। कोई मर्जी से जाना चाहता है, किसी धर्म में जाओ, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन नाबालिग बच्चों को, जिनको ये नहीं पता कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, और देश के बॉर्डर कौन से है, पाकिस्तान का कौन सा बॉर्डर है, भारत का कौन सा है, नेपाल का कौन, उनको तो कुछ धर्म के बारे में पता ही नहीं। ऐसे बच्चों, एक बार आप कहते हो जी हमारे लिए धर्म बराबर है, बराबर कहाँ है? अगर तुम्हारे लिए धर्म बराबर होते तो मुसलमान बच्चों को आप स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनका धर्म क्यों बदला आपने? अगर सभी धर्म बराबर थे तो उनको वहीं रहने देते। तो हमने इसका घोर विरोध किया, हमने, और एक वकील होकर के। एडवोकेट एक्ट में कहां लिखा है कि आप वकील को धर्म चेंज करने का अधिकार है? आप कहीं कोई पुजारी हो, कोई मुल्ला हो, कोई नेता हो, क्या हो आप? आपको किसने कानूनी राइट दिया? भारत की सरकार ने दिया, स्टेट की सरकार ने दिया, क्या रास्ता आपका? आप कौन होते हो किसी का धर्म चेंज करने वाले? किसी ने किसी को राइट नहीं है। ये काम आपने किया है, हमने कानूनी कार्रवाई ठोक के की है आपके खिलाफ। बल्लभगढ़ में पुलिस कंप्लेंट दी हुई है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम कोर्ट में जाएंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। आपको कोई राइट नहीं है, आप किसी के धर्म के खिलाफ, नाबालिग बच्चों का धर्म चेंज करो उसके फादर की मर्जी के बगैर, बायोलॉजिकल फादर। अब ये चारों तरफ से बहन जी गिर चुका है, ये धर्मांतर वाले केस में गिर चुका है, ये मानहानि वाले केस में गिर चुका है, ये जो फर्जी जो जमानते हुई उसमें गिर चुकी है सीमा हैदर, और फैमिली कोर्ट ने भी जो ये सचिन मीना की वाइफ बता रहा था इसको नोटिस जारी कर दिया है। इसकी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, इसकी 83 सेक्शन दुश्मन दे, ये सब फैल हो चुकी है, सब इसके जो ठुस हो गए, इसके जो फुलझड़ी थी सब ठुस हो गई है। तो ये कानून के नाम पे लोगों को गुमराह करता है। जैसा ये निर्भया कांड में सीमा कुशवाहा को समझ रहा था कि वो बेटी क्या करेगी, ये करेगी, इसने मुझे भी ऐसा समझ रखा है, मैं तेरी टटिया लगा दूंगा, तेरे 10 लगा दूंगा, मेरे से बच के रहना है, तुझे पता नहीं कौन सा वकील हूं मैं, तेरे को कानून सिखा दूंगा बढ़िया तरह। देश का बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है कि ये कौन है। आप इससे बात करोगे एक ही ये बताएगा जेड, आप इससे करोगे बात जेड की ये बताएगा ए, आप इससे कानून की बात करोगे कोर्ट ने आपका नोटिस भेज दिया, ये प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा, प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर, अरे मोदी जी हमारे भी तो है, तेरे अकेले के कोई है, योगी जी हमारे भी है, और फिर ये राष्ट्रपति जी के पास पहुंच जाएगा, फिर ये पता नहीं राजनीति पे पहुंच जाएगा, ये मंदिर पे मस्जिद पे पहुंच जाएगा, ये धर्म पे पहुंच जाएगा, हनुमान चालीसा पे पहुंच जाएगा, ये पता नहीं धार्मिक नारे लगाने पड़ेगा। अरे भाई तेरे को ठेका है क्या? तू ठेकेदार है क्या धर्म का? कौन तू वकील है? तू ठेकेदार है धर्म का? अरे भाई जो तेरे से पूछा गया, तेरे से लीगल नोटिस का जवाब तो दिया नहीं गया, 2 लाइन तो लिखवा नहीं सका, मैंने इसको कम से कम 20-25 पेज का नोटिस दे रखा, उस पे तू 1 लाइन तो तेरे से अंग्रेजी की आई नहीं लिखवानी, कम से कम मेरे लीगल नोटिस का जवाब ही भेज देता, हम भी देखते कितना बड़ा कानून का जानकार है, है? फांसी लगाएगा, लगा लेना फांसी, तू हमसे बची ले पहले कानूनी रास्ते से, फांसी लगाएगा कानून पकड़ी मैडम, ऐसी ऐसी जैसे ये कंप्लेंट भेज रहा है, ऐसी ऐसी 1 लाख कंप्लेंट जाती है, यही काम है क्या सरकार को? सरकार को इसी की सुनेगी क्या? गृह मंत्रालय को पता नहीं इसके बारे में? गृह मंत्रालय को यही काम रह गया क्या? है सब जानते इसके बारे में और कोई काम नहीं है मेरे अकाउंट की? अबे भाई कोई मैं तेरा चीजा या तो गुलाम हैदर होगा या तू जबरदस्ती सचिन को चीजा बना रहा है, मैं तेरा चीजा तो हूं नहीं, जो तू मुझे मान दे रहा, तूने मुझे मान दिया है क्या चीजा बना के मैं तेरे को मान दे रहा हूँ?
जो तू कह रहा है कि मैं अकाउंट चेक कराऊंगा, ये मोमिन मलिक की सच्चाई की, ईमानदारी की, लड़ाई की और अपने प्रोफेशन के प्रति वफादारी की कमाई है जो मैं खुद लोगों पे खर्च करता हूँ। मैं अपनी कमाई का 70% गरीब लोगों पे, विधवाओं पे, लंगड़े लूलों पे, मोहताजों पे, ना जो लावारिस लोग होते हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता, मैं 70% उन पे खर्च करता हूँ, 30% अपने आप पे खर्च करता हूँ। मेरे कोई कमी कोई है? 100 एकड़ कम से कम 10 एकड़ की जमीन पर जो एक एकड़ की कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपए है, 10 एकड़ की जमीन पर तो मैंने हाईवे के ऊपर फ्री में गौशाला खोली हुई है, श्री राधा कृष्णा गौशाला। तो आप मेरा क्या मुकाबला करोगे? आपको मैं 20 बार खरीद के ना 20 बार छोड़ सकता हूँ, क्या समझते हो आप मेरे को? सही, बिल्कुल सही। और आप कहते हो कि सऊदी अरब से पैसा आ रहा है, आप कहते हैं जी हवाला के जरिए से पैसा आ रहा है। अरे मेरी खुद की औकात है, मैं इस बंदे को 20 बार इसकी सारी प्रॉपर्टी, सारा सिस्टम 20 बार खरीद के 20 बार छोड़ सकता हूँ। भटका हुआ है, इसको समझ जब आएगी, जिस दिन ये खाट में पड़ा पड़ा पजामे में ही लैट्रिन करेगा, पजामे में ही पेशाब करेगा, ये इसके साथ होना है। इस ऐसे आदमी के साथ ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं कि ये कह रहा है आतंकवादियों से, मैं इसको पूरे एक दो दिन में, कल संडे है, इसको 10 करोड़, मेरी रेपुटेशन पे उंगली उठाया है, मोमिन मलिक की रेपुटेशन पे, जिसने भारत के लिए हमेशा ऐसे ऐसे काम किए जो इसकी 10 नस्लें नहीं कर सकती, इसको मैं 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दूंगा। और इसके खिलाफ जो कोर्ट की ऑर्डर के बारे में, क्योंकि कोर्ट ने इनको आदेश पारित करके नोटिस जारी किया है, कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जो ये गलत बोला है उसमें इनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट इनके खिलाफ फाइल करूंगा और मानहानि का मुकदमा फाइल करूंगा। और ये मेरे से बच के दिखा दे और मेरा सामना करके दिखा दे, हिम्मत है तो मेरे सामने आना, कोर्ट में दम है तो तेरे में आ, तुझे पता लगे किससे टकराया तू, आ जा। तुझे पता नहीं ना, तू दूर से ऐसे देख रहा है कि ये ऐसे शरीफ सा आदमी है, ये जो तेरे जैसे आदमियों को मैं देख चुका हूँ, आई समझे बात। अब से पहले भी जिन जिन लोगों की मैंने लड़ाई लड़ी है और मैं जीता हूँ, मेरी दुश्मनी एक से नहीं, मेरी दुश्मनी सैकड़ों लोगों से है, सैकड़ों लोगों से मेरे मुकदमे पर्सनल भी है, चल रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ोगे तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पे कीचड़ ना उछाले कोई, आप पे कीचड़ भी उछालेंगे, आप पे मुकदमे भी दर्ज कराएंगे, आप पे अटैक भी करेंगे, ये सब हम बहुत पहले झेल चुके हैं। और उनका हमने जवाब दिया और उनकी मुंडी को रगड़ा है हमने और उनको मुंह तो जड़ा दिया है और उनको जेलें कराई है हमने, हम सभी रास्तों से निकल चुके हैं। ये क्या समझ रहा है, ये क्या जाने, अभी बच्चा है मेरे सामने, बच्चा छोटा सा मेरा, आप मैं पता है मेरे फेसबुक पर चले जाओ आप, सारी एक्टिविटी मेरी तो जब से फेसबुक चल रहा है, सारी एक्टिविटी कहाँ कहाँ मैंने सोशल काज किए, क्या क्या मैंने किया, सारे अखबार, सारे फेसबुक पर पूरी सरकार को पता है। ये क्या समझ रहा है, एनआईए का मुकदमा मैंने लड़ा है, एटीएस के मुकदमे मैंने लड़े हैं, और तो जो समझौता बम ब्लास्ट हुआ था उसके मुकदमे मैंने लड़े हैं। अरे सारी एजेंसी सेंटर की रोज आती थी, रोज सुनती थी मेरी बातें, रोज देखती थी, रोज चली जाती थी, सबको पता। ये क्या जाने, ये एक जरा सा निर्भय कांड लेके मशहूर हो गया, ऐसे ऐसे मैंने पता नहीं कितने मुकदमे मैंने किए हैं। ये बच्चा है, अभी बचपन आगे नहीं गया इसका।